गुड मॉर्निंग डायरेक्शन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हुआ नीलम देवी, घर बेलहा, जिला मधुबनी। आज मैं आप लोग को ऐसा जड़ी बूटी के बारे में बता रही हूँ जो आप लोगों को कभी जानकारी नहीं हुआ था, लेकिन आज यूट्यूब के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रही हूँ कि हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा चीज़ है और बहुत बेनिफिट चीज़ है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसा जड़ी बूटी को राजा के बारे में बता रहे हैं जो कभी आप लोग जाने नहीं होइएगा। तो आज पहला जो हम आपको बता रहे हैं, जो हम लोग जो इतना बीमार जो पड़ रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है। जब तक हम लोग कारण को नहीं समझेंगे, कारण को नहीं जानेंगे, तब तक हम बीमारी से कभी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इसलिए हम लोग को ज़्यादा जानकारी रखना है आ कैसे हम आने वाले भविष्य में हर बीमारी से हम छुटकारा पाएंगे आ हर बड़े बड़े डॉक्टर से हम बचेंगे आ कभी हम बीमारी में नहीं जाएंगे। इसके लिए मैं आज ऐसा आपको जड़ी बूटी के राजा में बताना चाहती हूँ जो आपको हमारा वीडियो शुरू से अंत तक आप सुनिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी कीजिएगा। और ये एक जड़ी बूटी का राजा है जिसको गेनोडर्मा लुसीडम नाम से जाने जाते हैं। आ इसी गेनोडर्मा लुसीडम जड़ी बूटी का राजा जो है इस चाय में डाला हुआ है। तो आप लोग कहिएगा कि ये चाय देखने में तो लगता है चाय, कोई ये आम चाय नहीं है। जैसे हम लोग मार्केट के चाय पीते हैं, ये मार्केट के चाय नहीं है। ये ऐसा अनमोल चाय है, अनोखी चाय है जो इसमें जड़ी बूटी का राजा दिला हुआ है। अब यही चाय हम लोग का हर एक बीमारी से दूर करेगा। यही चाय आने वाले भविष्य में हम लोग को हजारों बीमारी से बचाएगा। यही चाय हमारे परिवार को सुरक्षित रखेगा। यही चाय हमारे रिश्तेदार को सुरक्षित रखेगा। आखिर क्यों? तो यही चाय को गहराई से जानना है और इसी चाय को हम आज आपको गहराई से बताएंगे जो आज इस चाय में क्या खासियत है। तो इस ये जो ऋषि गेनो टी है, इसमें जड़ी बूटी का राजा डाला हुआ है। अगर हम आज के डेट में जितना गंदगी टॉक्सिन हवा के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से जितना गंदगी ले रहे हैं, मेन हम लोग का बीमारी का कारण है दो, एक गंदगी आ एक पोषक तत्व के कमी। हम लोग क्या होते हैं, पहले से शुरू में इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, शरीर पर ध्यान नहीं पाते हैं। कब ध्यान देते हैं? जब मेरा शरीर प्रॉब्लम में चला जाता है, कभी कोई शरीर में दर्द होता है, दर्द होने लगता है, तब हम महसूस करते हैं जो हमारे शरीर में दर्द हुआ है और हम बीमारी की ओर जा रहे हैं, अब हमें डॉक्टर की ज़रूरी है। नहीं, पहले हम लोग को दर्द में नहीं जाना है। इसी चाय को हम अगर एक लीटर पानी गर्म करेंगे आ इस थोड़ा सा चाय इसमें डालकर अगर गर्म पानी के साथ एक लीटर सुबह बनाएंगे, पूरे फैमिली को साथ लेना है, किसी एक को नहीं, पूरे फैमिली को साथ हमें लेना है। आ इसके चाय पीने से हमारे बॉडी में जितना सब जानते हैं कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन जा रहा है, लेकिन हम लोग को जो ऊपर से गंदगी आता है तो हम लोग सर्फ साबुन से धो लेते हैं। खाने पीने का चीज़ अगर हाथ में लग जाता है तो हम इसे साफ कर लेते हैं, लेकिन वही चीज़ हमारे शरीर के जो अंदर जाते हैं, कभी आप लोग सोचे हैं जो यही गंदगी एक दिन हम लोग का बीमारी को कारण बन जाते। अगर ये ऋषि गेनो टी हम लेंगे सुबह सुबह गर्म पानी के साथ, तो हमारे शरीर में जितना गंदगी गया होगा सारा गंदगी को ये साफ सफाई कर लेगा। आज बच्चा भी, परिवार भी, सबको साथ अगर ये चाय हम लेंगे तो हमारे बॉडी को पूरा साफ सफाई कर देगा और आने वाला भविष्य में हम कभी बीमारी में नहीं जाएंगे, बड़े बड़े बीमारी से बचेंगे, क्योंकि यही चाय अनमोल चाय है। कभी हम भी इस चाय को बारे में नहीं सोचे थे, क्योंकि हम जो आप लोगों को बता रहे हैं तो हम भी पहले बहुत अनजान थे, इस चाय के बारे में हमें भी कुछ पता नहीं था। लेकिन अचानक एक हमारे गांव में एक मीटिंग हुआ था,
मीटिंग होने के बाद सर बताएं, बबलू सर मेरा सर है, वो सर बताएं कि हम भी प्रॉब्लम में फंसा हुआ थे, बहुत सारा प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। तो वहाँ जाने के बाद जैसे हम आप लोगों को बता रहे हैं कि चाय एक अनमोल चाय है, इसके पीने से हमारे जितना समस्या है सब खत्म हो जाएगा, तो हमें भी सुनने में अजीब सा लगा कि आज तक मैं कभी दुनिया में ऐसा चाय के बारे में सुने नहीं थे कि आज एक चाय हजारों बीमारी से बचा सकता है, क्या खासियत है। फिर भी हम वहाँ से जब सर के बात सुने तो हम ये चाय वहाँ से लाएं, लाने के बाद जब पिए, पीने के बाद हमको चाय इतना बेनिफिट हुआ कि जब मैं भी पहले बहुत इंग्लिश दवा लेते थे, बहुत डॉक्टर के पास जाते थे, लेकिन आज जिस दिन से मैं ये चाय का सेवन किए हैं ऋषिगेनो टी का, उस दिन से हम पूरे स्वस्थ हैं, कभी बीमारी को ओर नहीं जा रहे हैं। इसीलिए हम आप लोगों से विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप लोग अगर इतना दिन से आपको इस ऋषिगेनो टी के बारे में नहीं पता थे तो आप अनजान थे, लेकिन आज आपको YouTube के माध्यम से, हर एक आदमी को माध्यम से आपको इस ऋषिगेनो टी के बारे में हम जो बता रहे हैं, इसको मतलब कोई आम चाय मत समझिएगा, ये हम लोग का अमृत के समान है। जैसे अमृत कहते हैं हम लोग को जीवन के लिए बहुत सुरक्षा है, इसीलिए हम लोग का अगर ये चाय आप डेली अपना फैमिली के साथ जैसे कि दूध वाला चाय पीते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारा नुकसान देते हैं, फिर भी हम जानते भी हैं कि मेरा दूध वाला चाय नुकसान करते हैं, फिर भी हम पीते हैं, आखिर क्यों? क्योंकि हम लोग को चाय का आदत लग गया। दोस्तों मैं यही आपको चाय के पीने के लिए बोल रहे हैं, अगर यही चाय आप दूध वाला चाय छोड़कर वो दूध वाला की जगह में अगर आप ऋषिगेनो टी चाय लीजिएगा, आप पानी के साथ अगर सुबह में पीजिएगा तो आपको भूख भी अच्छा लगेगा, गैस भी नहीं बनेगा, यानी कि मतलब नींद भी अच्छा आएगा, खाना भी पचेगा, कभी आपको मतलब आलसी नहीं होगा, जितना आपका समस्या है धीरे धीरे सब खत्म होने लगेगा, कभी आप कैंसर में नहीं जाइएगा, कभी आप गठिया में नहीं जाइएगा, कभी आप बातरस में नहीं जाइएगा, क्योंकि इतना बीमारी का जो जड़ है सब गंदगी, अगर गंदगी मेरा शरीर से निकल जाएगा, गंदगी मेरा साफ सफाई हो जाएगा तो कभी भी मेरा शरीर में प्रॉब्लम नहीं आएगा, परेशानी नहीं होगा। तो इस चीज़ से बचिए, क्योंकि सब जानते हैं इंग्लिश दवा हम लोग के लिए समाधान नहीं है, मजबूरी में अगर हम एक टैबलेट खा लेते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर आप डेली गैस के लिए आप डेली ऐसी लोग खाते हैं या पेन किलर खाते हैं तो आप अपना बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, आप अपने शरीर में बीमारी को बुला रहे हैं, आप खुद से अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप इस ऋषिगेनो टी को अपनाइए, सिर्फ एक से दो महीना आप पी कर देखिए, अगर आपका परिवार में इंग्लिश दवा गैस के लिए आता होगा तो आप इस चाय पीने से आपका इंग्लिश दवा बंद हो जाएगा, आपका तभी पता लग जाएगा चाय में क्या खासियत है। इसीलिए इसके जानने के लिए आपको बहुत सारा प्रोडक्ट है, लेकिन पहले आप इस चाय को खासियत को जानिए, ये चाय को खासियत जान लीजिएगा तो आप अपना जीवन को स्वस्थ और अनमोल बना लीजिएगा। थैंक यू, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा। गुड मॉर्निंग डियर सन।